केरल के त्रिशूर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रोड शो में उमड़ा आवाम का सैलाब। पीएम मोदी त्रिशूर में स्त्री शक्ति रैली से किया खिताब, 2 लाख से ज्यादा खवातीन ने की शिरकत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को 1,150 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का दिया तोहफा, सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल, पीने के साफ पानी और शमसी तवानाई से मुतालिक स्कीमें की शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में एसआईटी की जांच से किया इनकार, सेबी ही करेगी जांच। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 माह के अंदर बाकी 2 तहकीकात मुकम्मल करने की दी हिदायत। बीजेपी ने ईडी के सामने पेश ना होने पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर किया हमला, उन पर कानून से भागने का लगाया इल्जाम। ईडी ने गैर कानूनी कानकरी मामले में झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन के प्रेस मुशीर के घर पर मारा छापा, सोरेन ने शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा कानून साज पार्टी की बुलाई है एक अहम मीटिंग। जापान में जलजले से मुतासर इलाकों में इमदादी और बचाव का काम जंगी बुनियादों पर जारी, वजीर आजम फोमियो किशिदा ने कहा एयरपोर्ट पर आग लगने से इमदादी काम नहीं हुआ मुतासर। और भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान केप टाउन में दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच जारी, भारत की शानदार गेंदबाजी, जनूबी अफ्रीका 55 रन पर आउट, भारत की अच्छी शुरुआत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरल के दौरे के दौरान त्रिशूर में मुनाकिदा रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए, लोगों ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया और उनके काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर की। पीएम मोदी ने रोड शो के दौरान हाथ हिलाकर सबका इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने त्रिशूर में एक रोड शो के बाद खवातीन से खिताब किया। खवातीन खिताब के दौरान उन्होंने किन अहम बातों का जिक्र किया और मोदी की गारंटी के सबब मिलने वाली किन किन सहूलियात का जिक्र किया, आइए सुनते हैं। हमने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए, ये सफलता कैसे मिली? मोदी जुड़े गारंटी। हमने 11 करोड़ परिवार की बहनों को पाइप से पानी दिया, ये क्यों हुआ? मोदी जुड़े गारंटी। हमने केरला की 60 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट खोले, ये सफलता कैसे मिली? मोदी जुड़े गारंटी। हमने 30 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन महिला लाभार्थियों को दिए, ये कैसे संभव हुआ? मोदी जुड़े गारंटी। हमने प्रेगनेंसी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते किया, इसे किसे संभव बना दिया? मोदी उड़े गारंटी। हमने सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन का रास्ता खोला, ये कैसे संभव हुआ? मोदी उड़े गारंटी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में 1,150 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संगी बुनियाद रखा। इन मंसूबों से लक्षद्वीप जजीरों को टेलीकम्युनिकेशन, पीने के पानी, शमसी तवानाई और सेहत के शोबों समेत दीगर शोबों में फायदा पहुंचेगा। आजादी के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा गया, जिसके बाद तरक्की का एक नया बाब कायम होगा। साल 2020 में आपको मैंने गारंटी दी थी कि 1,000 दिन में आपको तेज इंटरनेट की सुविधा पहुंच जाएगी। आज कोची लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो गया है। अब लक्षद्वीप में भी 100 गुना अधिक स्पीड से इंटरनेट चल पाएगा।
वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ सरकारी मनसूबों से फ़ायदा उठाने वालों को एजाज से नवाजा। वज़ीर आज़म ने तालिबात को लैपटॉप, साइकिल, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड तकसीम किए। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हुकूमत लक्षद्वीप को सियाहत के बैन अलाक़वामी नक्शे पर लाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि लक्षद्वीप ने आज़ादी के सुनहरे दौर में एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में अहम रोल अदा किया था। आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में भी लक्षद्वीप की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत सरकार लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से लाने का प्रयास कर रही है। हाल में ही जो G20 की एक मीटिंग यहां हुई है, उससे लक्षद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत लक्षद्वीप के लिए डेस्टिनेशन स्पेसिफिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। अब तो लक्षद्वीप के पास दो ब्लू फ्लैग बीचेज हैं। वजीर आजम ने कहा कि लक्षद्वीप के लोगों ने आज़मीन हज की सहूलत के लिए हुकूमत की तरफ से की गई कोशिशों से फायदा उठाया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ख्वातीन को महरम के बगैर हज पर जाने की इजाजत भी दी है। इन तमाम कोशिशों की वजह से उमरा के लिए जाने वाले भारतीयों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। हमारी सरकार ने हज यात्रियों की सहूलत के लिए जो प्रयास किया है, उसका भी लाभ लक्षद्वीप के लोगों को मिला है। हज यात्रियों के लिए वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया। हज से जुड़ी ज्यादातर कार्रवाई अब डिजिटल होती है। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की भी छूट दी है। इन्हीं सब प्रयासों की वजह से उमराह के लिए जाने वाले भारतीयों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग केस में अपना फैसला सुनाते हुए सेबी की तहकीकाती रिपोर्ट में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। तीन जजों की बेंच ने कहा कि सेबी की तहकीकात मुनासिब है और ये इस मामले की तहकीकात के लिए काबिल एजेंसी है। मार्केट रेगुलेटर ने अडानी हिंडनबर्ग केस में 24 में से 22 मामलों की तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और दो मामलों की तफ्तीश अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बाकी दो मामलों में तहकीकात मुकम्मल करने के लिए 3 माह का वक्त दिया है। कबल से 24 नवंबर को इस केस की समाअत करते हुए अदालत ने मार्केट रेगुलेटर, सेबी और माहिरीन की कमेटी की तहकीकात पर उठाए जाने वाले सवालात को मुस्तरद करते हुए अपना फैसला महफूज कर लिया था। अमरीकी शॉर्ट सेल्स फर्म ने साल 2023 में जनवरी के महीने में अडानी ग्रुप पर एक तहकीकी रिपोर्ट शाये की थी, जिसमें अडानी की कंपनी के हिस्स की ओवर वैल्यू ऐड होने और कीमतों में हेरा फेरी समेत ग्रुप पर कर्ज के हवाले से संगीन सवालात उठाए गए थे। वॉट एवर एलिगेशन हैव बीन रेज्ड इन द हिंडनबर्ग रिपोर्ट दैट हैज कॉज्ड अ सीवियर डैमेज इन द शेयर मार्केट एंड देयर वर सेवरल इन्वेस्टर्स हु हैव लॉस्ट देयर मनी। So, what is their safety for the future and whether it was a pre-planned or it is a conspiracy or what is the truth in that report? So, by taking into the consideration of these things, I filed a PIL before the Honorable Supreme Court and our first prayer was that a committee, judicial commission or committee shall be constituted under the chairmanship of former Supreme Court Justice. अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने लिखा, इज्जत माम, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाहिर करता है कि सच की जीत हुई है। सत्यमेव जयते में इन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की तरक्की की कहानी में हमारा ताबून जारी रहेगा। जय हिंद। और महुआ मोइत्रा की अर्जी पर जिसे पैसे लेने पर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निकाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सेक्रेटरिएट से 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। महुआ मोइत्रा लोकसभा सेक्रेटरिएट की तरफ से दाखिल करदा जवाब पर 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करेंगी। केस की अगली समाअत 11 मार्च को होगी।
गैर कानूनी कानकनी मामले में झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइजर अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। अभिषेक प्रसाद की रिहायश का और साहिबगंज डिप्टी कमिश्नर की रिहायश का समेत 12 मकामात पर तलाशी ली जा रही है। दूसरी तरफ झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के निशाने पर है। ईडी ने सोरेन को 7 समन जारी किए हैं, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। दरियासना हेमंत सोरेन ने आज वजीर आले की रिहायशगाह पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कानून साज पार्टी की मीटिंग बुलाई है। इसकी सदारत खुद सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। झारखंड में वजीर आला के चेहरे की तब्दीली की कयास आराइयां हो रही हैं। बीजेपी ने दावा किया कि मौजूदा वजीर आला अपनी अहलिया को वजीर आला बना सकते हैं। दर हकीकत झारखंड में लैंड माफिया ने गैर कानूनी तौर पर जमीन की मिल्कियत तब्दील करके पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। ईडी मामले की जांच कर रही है। इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन इन दिनों इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के निशाने पर हैं। ईडी ने सोरेन को 7 समन जारी किए हैं, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। दरियासना हेमंत सोरेन ने आज वजीर आला की रिहायशगाह पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कानून साज पार्टी की मीटिंग बुलाई है। इसकी सदारत खुद वजीर आला हेमंत सोरेन करेंगे और झारखंड में वजीर आला के चेहरे की तब्दीली की कयास आराइयां हो रही हैं। बीजेपी ने दावा किया कि मौजूदा वजीर आला अपनी अहलिया को वजीर आला बना सकते हैं। दरहकीकत झारखंड में लैंड माफिया ने गैर कानूनी तौर पर जमीन के मालिकाना हक को तब्दील करके पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया है और साथ ही ईडी मामले की जांच भी कर रही है। इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और बीजेपी के तर्जुमान प्रतुल शाह देव ने झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को निशाना बनाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा है और जिस तरीके से आज ईडी के रेत सो रहे हैं, इससे साफ है कि पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन का नंगा नाच झारखंड में हुआ था, जब पूरी स्टेट मशीनों ने मिलकर झारखंड के आदिवासी मूल वासियों की गाड़ी कमाई को लूटा था। और हमारा मानना था कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से ईडी के समन से भाग रहे हैं, तो ये 70,000 करोड़ के घपले घोटाले के तार कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनसे जुड़ते दिख रहे हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री के लिए जजमेंट डे आ गया है और आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कानून आपसे हमेशा ऊपर रहता है। और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के तीसरे समन पर भी एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे। केजरीवाल को आज एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तफ्तीशी एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जवाब में दिल्ली के वजीर आला ने कहा कि वो तहकीकात में तआवुन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नोटिस को गैर कानूनी करार दिया। केजरीवाल की पार्टी ने इल्जाम लगाया कि तफ्तीशी एजेंसी वजीर आला को गिरफ्तार करके इंतखाबी मुहिम से रोकना चाहती है। केजरीवाल को ये तीसरा नोटिस था। उन्होंने 2 नवंबर और 21 दिसंबर को वफाकी एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। मरकजी वजीर तलातुन शरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज आप सबसे बदउनवान पार्टी है और अरविंद केजरीवाल ईडी के संबंध पर बार बार हाजिर नहीं हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है, अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान शख्स हैं और इसी वजह से वो ईडी के सामने पेश होने से गुरेज कर रहे हैं। जनता ये जान चुकी है आप कट्टर बेईमान हैं, पहला। दूसरा, जनता ये जानती है कि आप ही घोटाले के किंगपिन हैं। तीसरा, आप थरथर कांप रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं जो बात हमने हमेशा इस मंच से कही है, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी।
और आज ये कहना गलत नहीं होगा, जो व्यक्ति एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार ईडी के समक्ष प्रस्तुत होके सवालों के जवाब ना दे वो कट्टर बेईमान है, पापी है, भ्रष्टाचारी है, लूट खसोट करता है, कमीशन खोरी करता है, और उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार समन जारी किया गया है और वो आज दोबारा पेश नहीं हो रहे हैं, वो भगोड़ा नंबर एक हैं। आज साबित हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल सरगना नंबर वन है और भगोड़े नंबर वन है। आज जब तीसरा समन आया है तो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है, कोर्ट भी वेंडेटा कर रही है, एजेंसी भी वेंडेटा कर रही है। आपकी नई नई साथी कांग्रेस पार्टी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार शराब घोटाला हुआ है। आज सवालों का जवाब देने के बदले कि कैसे 2.5% से 12% कमीशन हुआ, कैसे प्राइवेट सेक्टर को होलसेल दिया, कैसे आपने ब्लैकलिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आने दिया, कैसे हजारों करोड़ रुपए आपने दे दिए शराब घोटालेबाजों को, और कैसे ये पॉलिसी में अगर कोई गलती नहीं थी तो वापस क्यों लिया गया, इनका जवाब देने के बदले वही घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर। और अयोध्या के आसपास ऐसे बहुत से कदीम मकामात हैं जो अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त करीब आते ही मंजरेआम पर आने लगे हैं। ऐसी ही एक जगह भगवान श्री राम के वालिद बादशाह दशरथ जी की समाधि है। सयापुरा बाजार इलाके में मौजूद दशरथ जी की समाधि का दौरा कर रहे हैं, पेश है ये रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है, तो ऐसे में कुछ ऐसी ऐसी जगहें हैं विश्व के मैप पर और देशवासियों के सामने सामने आ रही हैं। हम इस वक्त दशरथ जी की समाधि स्थल पर यहाँ पर मौजूद हैं और ये काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। हमारे साथ इस स्थल के जो महाराज जी हैं वो मौजूद हैं। महाराज जी, इसकी क्या कुछ इतिहास है, थोड़ा सा बताइए। जय सियाराम। यह वह स्थल है जहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया है, क्योंकि यहाँ पे दाह संस्कार करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि जहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार करना था, कि जिस समय महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है, भरत, राम और लक्ष्मण जी वनवासी चले गए थे। भरत और शत्रुघ्न जी थे लेकिन वो भी ननिहाल में थे। वहाँ से आने के बाद भरत जी ने कहा हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार न किया गया हो। तो शोध करते करते जब यहाँ पर पहुँचे, जो विल्लोहरी घाट के नाम से पहले से घोषित था, तो यहाँ पे आने के बाद महाराज जी को दाह संस्कार करने के लिए हमारे सनातन धर्म में चार खूंटे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती महाराज जी का दाह संस्कार करने के लिए केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली जहाँ पर किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। अब एक खूंटा ऐसा था जहाँ किसी का पहले दाह संस्कार हो चुका था, इस पर भरत जी ने अपना बायां हाथ लगा के जगह को शुद्ध किया, उसके बाद फिर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार के बाद हमारे सनातन धर्म में कुछ नहीं बचता है, तो ऐसे अगर आज छोड़ दिया जाता तो आज ये बताने वाला कोई नहीं होता कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं, और ये इतिहास में इस तरह के जो स्थल हैं हमने ज्यादा सुने नहीं है, लेकिन अब देख रहे हैं कि अयोध्या के कारण से ये स्थल इतिहास में आ रहे हैं, इतिहास के जो चीजें हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। जी हाँ, हमने भी जो है अभी तक तो है अयोध्या में वैसे 3-4 बार आना हुआ है। पता लगा कि हमको भी क्षेत्र में हमारे और भी स्थान हैंगे, तो पता लगा कि भाई दशरथ समाधि है जहाँ पे दशरथ जी को दाह संस्कार किया गया था, तो उसी विषय पे हम देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आज हम अभी दशरथ जी की पवित्र स्थल समाधि स्थल पर खड़े हैं, बहुत हम सौभाग्यशाली हैं। आप क्या कुछ कहेंगे यहाँ के बारे में? नहीं, यहाँ आके भी हमें बहुत अच्छा लगा है, ये हमने देखा है, हमें पता नहीं था यहाँ के बारे में, हमको जानकारी मिली है कि यहाँ पे समाधि है भगत जी की थी, मतलब यहाँ के हमें इतना अच्छा लग रहा है, आपको बयान नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से वो स्थल जो अयोध्या से कुछ, जो राम मंदिर है वहाँ से कुछ दूरी पर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रामायण से जुड़े हुए हैं, अयोध्या से जुड़े हुए हैं, तो वो अब एक बार फिर अब मुख्य भूमि बनकर सामने आ रहे हैं। मैं चंद्रशेखर जोशी, DD न्यूज, अयोध्या। और कौमी राजधानी दिल्ली में यौमे जमहूरिया की तैयारियां जोरों पर हैं। यौमे जमहूरिया परेड की रिहर्सल आज कर्तव्य पथ पर की गई।
नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी का यौम जमहूरिया कैंप 2024 दिल्ली कैंट में शुरू हो गया है। मुल्क भर के तमाम डायरेक्टोरेट से मुंतखब होने वाले 2,274 कैडेट्स इस कैंप में शिरकत के लिए आए हैं। इसमें 907 गर्ल्स कैडेट्स भी शामिल हैं। इस बार यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 25 ममालिक के कैडेट्स भी कैंप में पहुंचेंगे। यौम जमहूरिया के इस कैंप में और क्या खास होने वाला है, हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने इस पर एनसीसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर बाल सिंह से खसूसी बातचीत की। एनसीसी का रिपब्लिक डे कैंप आरंभ हो चुका है, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह सर। इस बार एनसीसी कैंप में एनसीसी के ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड बहुत अव्वल है और दूसरी खास बात है इसमें जो गर्ल्स कैडेट है उसकी संख्या में वृद्धि हुई है और तीसरा इस कैंप में 25 कंट्रीज के एनसीसी कैडेट्स एचओडीज भी हिस्सा लेंगे। इस बार से छात्रा कैडेटों का दल दिखाई देगा और क्या खास होने वाला है? एनसीसी कैंप में वेरियस एक्टिविटीज़ होंगी, हमारे वेरियस प्रतिनिधि इसके अंदर आके विजिट करेंगे। इसका उद्घाटन ऑनरेरी वाइस प्रेसिडेंट करते हैं और इसका कल्मिनेशन होता है पीएम रैली के साथ में और इसके अंदर एक हॉर्स राइडिंग कॉम्पिटिशन भी होता है और एक हम स्किल मंथन भी करेंगे जिसमें वेरियस जो स्किल के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी और एक और भी होगा वीरों की कहानी वीरों की जवानी, जो हमारे अवार्ड विनर्स हैं वो आकर के हमारे एनसीसी कैडेट से मिलते हैं। इस बार कुल कितने बैंड इस बार शामिल हो रहे हैं? इस बार हमारे एनसीसी कैंप में 4 बैंड्स हैं, 2 बॉयज़ के 2 गर्ल्स के और जैसे कि मैं कई बार बोलता हूँ एनसीसी में बराबरी है बॉयज़ और गर्ल्स की हर एक्टिविटीज़ में हर प्रतियोगिता। पिछले सालों की अपेक्षा इस बार कुल कितने अधिक कैडेट शामिल हो रहे हैं? इस बार तकरीबन 200 कैडेट्स एक्स्ट्रा और जो कि गर्ल्स कैडेट्स हैं एक्स्ट्रा वो कैंप में शामिल हो रही है। इन कैडेटों को कहां कहां जाने का मौका मिलेगा और कौन कौन से वीआईपी हैं जिनके समक्ष इनको अपनी प्रस्तुति करने का मौका? इस कैंप के अंदर हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, ऑनरेबल आरएम और ऑनरेबल आरआरएम, सीडीएस, तीनों सर्विसेज के चीफ, डिफेंस सेक्रेटरी और उसके बाद उनको मौका मिलता है हमारे वॉर मेमोरियल में जाने का और उसके बाद इनको मौका मिलता है प्रधानमंत्री के एट होम करने का, प्रेसिडेंट के एट होम करने का। 25 कंट्रीज़ के जो कैडेट्स आएंगे उनके साथ में भी इनके साथ में उनका इंटरेक्शन होता है। तो ये थे एनसीसी महानिदेशक जो बता रहे थे किस तरह से रिपब्लिक डे कैंप के अंदर 25 देशों के कैडेट भी इस बार शामिल होने जा रहे हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और गैर मुल्की खबरों में, जापान में जलजले से मुतासरा इलाकों में इमदादी और बचाव का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। बताया जा रहा है कि मलबे से 130 लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। ताहम मलबे के बाइस कुछ सड़कें बंद हैं और जलजले से मुतासरा इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ जापानी वजीर आजम फोबियो किशिदा ने कहा कि टोक्यो के हाइडा हवाई अड्डे पर तैयारी के हादसे के बाद से जलजले से मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाने का काम मुतासर नहीं हुआ है। और खेल की खबरों में, भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से केप टाउन में खेला जा रहा है। जनूबी अफ्रीका की टीम महज 55 रन बनाकर आउट हो गई है। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 6, बुमराह ने 2 और मुकेश कुमार ने 1 विकेट लिया। जवाब में भारत ने शुरुआत बहुत अच्छी की है। भारत ने अब तक 2 विकेट पर 105 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया को सीरीज के पहले टेस्ट में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में भारत किसी भी कीमत पर यह मैच जीतकर सीरीज ड्रॉ करना चाहेगा। जनूबी अफ्रीका की कोशिश ये मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा करने की होगी। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। ये कुछ पेपर्स हैं, एग्जाम से पहले ही